Hello everyone and hello my beautiful girls. Assalamu alaikum. I'm Sinu Laik Khan and welcome back to my channel. तो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ हाइलाइटर्स अंडर 300 रुपीस. और ये सारे हाइलाइटर्स मैं अपने बहुत सारे मेकअप वीडियोस में यूज कर चुकी हूँ. इसके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी. और ये जो भी मैं हाइलाइटर आपको दिखाने वाली हूँ वो आराम से आपके फेस पर 5 to 6 आवर्स तक स्टे करेंगे. ओके और इसको भी ज़्यादा स्टेइंग बनाने के लिए फिर हम फिक्सर का यूज़ करते हैं तो थोड़े और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाते हैं. ओके तो वन बाय वन करके मैं आपको हाइलाइटर दिखाने वाली हूँ. तो मैं लो रेंज से स्टार्ट करूँगी हाइलाइटर को, जिसमें से मैं क्रीम हाइलाइटर भी दिखाऊँगी आपको. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. बगल में जो बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि जब भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस वाले प्रोडक्ट से. ये है कलर्स क्वीन का हाइलाइटर, जिसमें से मेरा शेड है 02. इसका फुल रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप जाकर देख सकते हैं. तो ये आता है अंडर 200 रुपीज़ का ये हाइलाइटर है. 5 भी मैं कर चुकी हूँ, तो एक्चुअली मैं अभी मेरे पास 05 नहीं है, मेरी सिस्टर ले गई है 05 इसका. तो मैं अभी आपको 02 दिखा रही हूँ इसका. और अगर आपको रिव्यू देखना है तो मेरे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं. ओके तो मैं आपको इसे दिखाती हूँ. इसमें इतने सारे प्यारे प्यारे आपको कलर्स मिल जाएंगे, जिसमें से ये सारे कलर्स हैं. तो फटाफट से मैं आपको सारे कलर्स का स्वॉच दे देती हूँ. तो ये है इसकी पिगमेंटेशन, जैसे कि आप देख सकते हो. ऑनलाइन और लोकल मार्केट से ही मिल जाएगा ये हाइलाइटर. तो मैंने तो इसे लोकल मार्केट से ख़रीदा है, लिंक मिलती है तो ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी. ओके इन हाइलाइटर है ये है मियोन का हाइलाइटर. इसका है ये है 05. आई थिंक 06 का मैं ऑलरेडी रिव्यू अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना. इसका है 05. इसके स्वॉचेस मैं आपको दिखाती हूँ. और अभी मैंने जो हाइलाइटर वेयर किया हुआ है वो मैंने यही हाइलाइटर लगाया हुआ है. तो आप इसकी शीन देख सकते हो कितनी अच्छी आ रही है. मैंने यही अभी लगाया हुआ है. इसके भी मैं स्वॉचेस आपको दे देती हूँ कैसा है. इसमें आपको पिंक शेड, कोरल शेड, ऑरेंज शेड्स मिल जाएंगे. और सिंगल स्वाइप है इसकी पिगमेंटेशन, और मैंने इसे लाइटली हैंड से ही स्वाइप किया है, तो आप देख सकते हो. और मैं आपको एक बार इसे दिखाती हूँ. फेवरेट मेरा ऊपर वाला है, और ये देख सकते हो कितना अच्छा लगता है लगाने के बाद. आप इस हाइलाइटर में जो पिंक शेड्स हैं और ऑरेंजेस शेड हैं, आप इसको ब्लशर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने आज किया हुआ है. मैंने अब आपको इसके बाद दिखाऊंगी ये है इन शाइन का. ये भी अंडर 300 रुपीस है. इसका भी रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है उसका. तो ये हैं सारे कलर्स इसके. इसको भी मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ. ये तो मेरा फेवरेट है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये हाइलाइटर. मैं बहुत ही हल्के हाथों से ही स्वाइप कर रही हूँ, और आप सिंगल स्वाइप में सारे कलर्स की पिगमेंटेशन देख सकते हो. बहुत ही आउटस्टैंडिंग पिगमेंटेशन है, और ये इन कलर का है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें से मेरा शेड है 05 रेडिएंट. ओके मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है सिवाना का हाइलाइटर, और इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पर है. अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. आई डोंट नो इसका पहले आएगा या बाद में आएगा, तो आप ये भी ले सकते हैं. ये अंडर 300 रुपीज़ है, बट मेरा ये बहुत पहले का है, तो ये तब उस टाइम पर कुछ 500-400 का मिला था, बट ये आपको अब इजीली 300 रुपीज़ में मिल जाएगा. सिवाना का हाइलाइटर, शेड नंबर है 02. इसके भी मैं आपको सारे स्वॉचेस दिखाने वाली हूँ. ब्रॉन्जी, शैम्पेन, और इस तरह से बिल्कुल भी इसमें आपको चंकी पार्टिकल्स नहीं दिखने वाले हैं. बहुत ही खूबसूरत लगता है ये लगाने के बाद. सी ये हैं इसकी सारे कलर्स, बहुत ही अच्छा है. ऑनलाइन आप इसको मंगा सकते हैं, सारे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब नायका, सब जगह आपको ये सिवाना का हाइलाइटर मिल जाएगा, और अंडर 300 रुपीज़ ही मिलेगा आपको. ओके इसके बाद आपको मैं क्रीम हाइलाइटर दिखाने वाली हूँ. जब मुझको बिल्कुल डूई मेकअप करना पड़ता है, नो मेकअप लुक क्रिएट करना पड़ता है, फटाफट से मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ क्रीम हाइलाइटर्स को लगाना. और आजकल समर चल रहा है तो मैं क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि मानसून में भी क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा, इनकी स्टेइंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है. तो मैं ये कलर्स क्वीन का
गोल्डन कलर का है, आप देख सकते हो मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है गोल्डन कलर का, तो ये इसकी जो पिगमेंटेशन है आप देखो ये इस तरह से आता है, बहुत ही नेचुरल लगता है, बहुत ही ड्यूई लगता है लगाने के बाद, तो मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ और मेरा ये बहुत फेवरेट है। तो ये आपको मिल जाएगा अंडर 200 रुपीज़ ही, ऑलमोस्ट आपको ये मिल जाएगा 200 रुपीज़ के अंदर। मैंने इसे मार्केट से ख़रीदा है, टाइम हो गया मुझे इसको लाए हुए, टाइम हो गया तो एक्जैक्टली मुझे इसका रेट नहीं याद है, आई थिंक आई डोंट नो ये ऑनलाइन मिल जाएगा ये नहीं, ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से ख़रीदा है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है ये क्रीम हाइलाइटर। मैंने अभी ये ईद शॉपिंग हॉल वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, ये मैंने लिया था स्ट्रे कॉर्की का हाइलाइटर, बट ये पार्टी वेयर हाइलाइटर है, आप इसे डे टाइम में नहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चंकी पार्टिकल्स मिल जाएंगे आपको। तो ये सिल्वर कलर का है और ये कुछ इस टाइप का है, और जब हम इसे थोड़ा ब्लेंड कर लेते हैं तो ये इसके जो पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े से मुझे लगते हैं, तो ये इस टाइप से है और ये आपको मिल जाएगा। ये है 275 रुपीज़ का, लेकिन इससे कम का ही है, ये मुझको मिला था 220 रुपीज़ का, और बहुत ही खूबसूरत सी क्यूट सी पैकेजिंग है स्ट्रे कॉर्की के हाइलाइटर की। तो ये आप इसे नाइट टाइम में ही इस टाइप के हाइलाइटर्स को वेयर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, सिल्वर और पिंकिश टोन में ये हाइलाइटर है। आप इसे चाहें तो अपने फाउंडेशन में या प्राइमर में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी ये सारे हाइलाइटर्स आपको दिखाए बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा अफोर्डेबल है, बहुत ही स्टेइंग पावर इसकी बहुत अच्छी है, जब तक बहुत ही देर तक टिके रहते हैं ये सारे हाइलाइटर्स आपके फेस पर, और बहुत ही बजट फ्रेंडली सारे हाइलाइटर्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आपको 6 हाइलाइटर्स दिखाए हैं और बहुत ही अच्छे हाइलाइटर जो मेरे फेवरेट हाइलाइटर हैं, मैं इन्हीं हाइलाइटर्स को बहुत यूज़ करती हूँ अपने वीडियोस में, आपने देखा होगा। तो जितने भी मैं ये प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ इन सब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो जाइए चेक कीजिए, और अगर आप अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं बहुत ही अच्छे हाइलाइटर ब्रिक्स हैं। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।